एमरजेंसी जब लगी तब उसके बाद में मैं विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, और जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैंने लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए राजनीति में आया था। बहनों और भाइयों, हमारे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, पर उनके नीतियों के खिलाफ उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ की स्थापना करने के बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के नेता के रूप में जब कश्मीर आए थे तो शेख अब्दुल्ला जी की सरकार ने उनको अरेस्ट किया और जेल में उनका देहांत हो गया। मुझे याद है कि उस समय हम नारा लगाते थे, दो नारे मुझे याद है। एक नारा था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और दूसरा नारा था, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। बहनों और भाइयों, भारतीय जनसंघ में राष्ट्रवादी विचारधारा हमारी आत्मा थी। ये राष्ट्र सर्वोपरि है, हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारी संस्कृति है। भारतीय जनसंघ के रूप में, राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी के रूप में, हमने देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये केवल कहने के लिए नहीं था, ये हमारा विचार था। अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, पर हमारा देश एक है, यही भाव इस देश में जगाने की हमने कोशिश की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रेमनाथ डोगरा जी, विशेष रूप से अडवाणी जी, अटल जी, एक लंबी श्रृंखला रही कि हमारे देश के लिए राष्ट्रवाद के विचारों को प्रेरणा मानकर अनेक कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया, अनेक कार्यकर्ताओं ने देश के लिए समर्पण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा हम सबको एक संस्कारित करके आदर्श स्वयंसेवक के रूप में हमें राजनीति की एक विजन मिली, और वो विजन है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, यही हमारा उद्दिष्ट है। और अगर राष्ट्र का विकास करना है तो विकास केवल बोलने से नहीं होगा, राष्ट्र का विकास अगर करना है तो सुशासन और विकास करने की आवश्यकता है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और ये दो बातों के साथ तीसरा हमारा उद्दिष्ट है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में है, वो हमारा उद्दिष्ट है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने चिंतन में क्या कहा है कि ये समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़ा है, जिसको रहने के लिए मकान नहीं है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे, और जिस दिन उस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होंगे, ऐसा हम समझेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। आज मुझे खुशी है कि लोकतंत्र हमारी आस्था है, और लोकतंत्र में कभी सत्तारूढ़ पार्टी में रहने का मौका मिलता है, कभी विपक्ष में रहने का मौका मिलता है। जनता का जो भी आदेश होता है उसका पालन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हमारे पार्टी ने किया।
जब जनसंघ में थे तो जनसंघ के रूप में हमारे नेता कार्य करते रहे, अटल जी, आडवाणी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, प्रेमनाथ डोगरा जी, इन्होंने एक आदर्श विचारधारा हमको दी और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी महान आर्थिक शक्ति बनाएंगे, हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और देश को दुनिया की ताकत बनाएंगे। इसी विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, देश के विकास का मतलब क्या होता है? देश के विकास का मतलब होता है केवल राजनीति यानी सत्ताकरण नहीं होता, राजनीति का अर्थ होता है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। राजनीति का अर्थ होता है बृहत्तर राजनीति, लोकनीति और धर्मनीति, और इसलिए समाज की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करना और सबको एक सस्टेनेबल जीवन देना, इसी मकसद के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। बहनों और भाइयों, उद्योग और व्यापार क्षेत्र से विकास होता है, पर उद्योग और व्यापार अगर लाना है तो चार बातों की जरूरत है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर रोड अच्छे नहीं होंगे, अगर अच्छे एयरपोर्ट नहीं होंगे, अगर रेलवे नहीं होंगी, अगर अच्छे पोर्ट नहीं होंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं 10 साल से रोड डिपार्टमेंट का, नेशनल हाईवे का मंत्री हूं। मैं आपको विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूं कि जब से जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ तो आज तक जितना काम नहीं हुआ उतना इस 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में मेरे विभाग ने कश्मीर में काम किया। 2 लाख करोड़ के काम हम कर रहे हैं। आज मैं हेलीकॉप्टर से हमारे दिल्ली, अमृतसर, कटरा इस हाईवे का पार्क देखना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि नवंबर एंड तक हम लोग कटरा तक का रोड पूरा बनाएंगे और इसके बाद कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, कटरा से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। शायद आज मेरी बात पर आप विश्वास नहीं रखोगे क्योंकि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं मुंबई में मंत्री था 1995 में, तब मुंबई और पुणे के बीच में मैंने एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तब मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। जब मैंने कहा 2 घंटे में होगा तो अखबार वालों ने मेरे ऊपर बहुत टीका टिप्पणी की, कोई एडिटोरियल लिखे गए, पर आज मुंबई से पुणे केवल 2 घंटे में होता है। और इसलिए मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि 120 किलोमीटर से एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे से गाड़ी दौड़ेगी। आपको पता ही नहीं होगा, मैंने जब पुणे मुंबई रोड बनाया तो पुणे से मुंबई जाने वाले 8 हवाई जहाज बंद हो गए। मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को याद रखना, अगले साल दिसंबर के बाद दिल्ली से जम्मू आने वाले हवाई जहाज बंद होंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताऊं। दिल्ली से जाने के लिए एयरपोर्ट को 1 घंटा घर से, फिर 1 घंटा रुकना पड़ेगा, आने के लिए 1.25 घंटा लगेगा और घर जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। इसके बदले में आप पूरे 6 घंटे में कटरा पहुंच जाएंगे और 8 घंटे में श्रीनगर जाओगे। दिल्ली से डेहराडून 9 घंटे लगते हैं। इसी साल दिसंबर में हमारा रोड पूरा होगा और दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में होगा।
दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा, अभी रोड हो गया। और इतना ही नहीं तो चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। बेंगलोर से मैसूर 3.5-4 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में हुआ। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। बहनों और भाइयों, देश की तस्वीर बदल रही है। और इसका फायदा क्या होगा कि हमारी जो ट्रक है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो दुनिया में बहुत महंगी है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे जीडीपी की तुलना में 14-16% है और चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8-10% है। अमेरिका और यूरोप की लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है। पर मैं आपको वचन देता हूं कि हमने जैसे रोड में क्रांति की है, वैसे फ्यूल में भी क्रांति की है। मोदी जी की सरकार आने के बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने इथेनॉल को देश में प्रमोट किया, मिथेनॉल को प्रमोट किया, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी को प्रमोट किया, बायो डीजल को प्रमोट किया, इलेक्ट्रिक को प्रमोट किया। अब हाइड्रोजन की गाड़ियां जल्दी आने वाली है। हम 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल का करते हैं और हमारे देश का किसान गेहूं चावल उगाता है पर उसके पास ज्यादा पैसा नहीं आता। मैं 2004 से कह रहा था कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। मैं खुद किसान हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं और तुम्हारे पूरे जिले को जितनी बिजली लगती है उतना मेरे क्षेत्र में मेरे यहां का किसान तैयार करता है। अब केवल बिजली नहीं, अन्नदाता से ऊर्जादाता बन गया, अब ऊर्जादाता से ईंधन दाता बन गया। शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बांबू से, मक्के से, चावल से अब बायो इथेनॉल बन रहा है। और जिसका विश्वास नहीं, दिल्ली आइए मेरे घर पर, टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली, यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है, जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। और अगर पेट्रोल की एवरेज में तुलना करेंगे तो 60% वो बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। और पेट्रोल के एवरेज में तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर होता है। अब हमारे यहाँ टोयोटो, मारुति सुजुकी, टाटा सब फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां ला रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि पेट्रोल के बजाय हमारे किसानों ने तैयार किए इथेनॉल पर गाड़ियां चलेगी। इतना ही नहीं तो मैंने देखा आज आपके यहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चल रही है, इलेक्ट्रिक कार आ रही है, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। मैं आया था, एलजी साहब को मिला था, मैंने हंसते हंसते उनको कहा कि जम्मू कश्मीर की जो बसेस है वो जब चलती है तो हॉर्न छोड़कर सब बजता है। अब वो बस वालों को मेरी प्रार्थना है कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अब मैंने बस के कोड को सुधार दिया है, अब घटिया क्वालिटी की बसेस नहीं चलेगी तो देश की जनता एयर कंडीशन बस में घूमेगी। और एयर कंडीशन में घूमने के बाद किराया बढ़ेगा नहीं, 30% किराया डीजल बस की तुलना में कम होगा और प्रदूषण नहीं होगा। अब पानी से हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। मेरे घर पर एक गाड़ी है टोयोटो की, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, उसका अर्थ होता है भविष्य। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गाड़ी हाइड्रोजन पे चलती है, आप आ जाइए देखने के लिए। और इसलिए आने वाले समय में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इतना ही नहीं तो जो राइस स्ट्रॉ परली पंजाब हरियाणा में जलाते हैं, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, वो परली से पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और देश में 400 प्लांट प्रोसेस में है, 60 शुरू हो गए हैं। अब परली से बायो सीएनजी तैयार हो रहा है। पानीपत में जो प्लांट है वो परली से बिटुमिन तैयार हो रहा है। अब परली कोई जलाता नहीं,
तो परली को 2500 रुपए टन भाव मिलता है और अब परली से पानीपत में हवाई ईंधन तैयार होगा और जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। इन्हें किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन गया, ऊर्जादाता नहीं ईंधनदाता बन गया, ईंधनदाता नहीं विटामिन दाता बन गया, विटामिन दाता नहीं अब किसान आज हमारे देश में हमारी एनर्जी देने वाला एनर्जी दाता हुआ। आपके यहां भी मक्का होता है ऐसा मैंने सुना, मक्के से इथेनॉल बनाई। आपको मालूम है कि आपके मक्के को पिछले साल 1200 रुपए क्विंटल भाव था, हमारी सरकार ने मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी तो मक्के का भाव 2600 रुपए क्विंटल हुआ, दुगना तिगना भाव हो रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ गई। इस देश में केवल स्मार्ट शहर नहीं बनने चाहिए, स्मार्ट विलेज भी बनने चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। जम्मू से श्रीनगर हम बहुत 18 टनल बना रहे हैं, बहुत रास्ता अच्छा बना रहे हैं और 2 रोड बना रहे। जम्मू कश्मीर में मेरे विभाग की ओर से मैं 2,00,000 करोड़ खर्चा कर रहा हूं और कटरा में 1,000 करोड़ का एक मल्टी मॉडल बड़ा ऐसा सेंटर खोल रहे जिसमें बस स्टैंड भी होगा, होटल्स भी होंगे, रेस्टोरेंट भी होंगे, एसटी का स्टैंड भी होगा और अक्टूबर में उसका भूमि पूजन कार्य शुरू होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। टूरिज्म ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आने वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये युवाओं को 49% खर्चा युवाओं को रोजगार देने के लिए मिलता है। बहनों और भाइयों, कितने तेजी से देश बदल रहा है, आपके एरिया की बात बताता हूं। आप मनाली गए होंगे, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब हमने अटल टनल बनाई तो 8 मिनट में चले जाते हैं। अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख लेह तक पूरा रोड और 8 टनल हम बना रहे तो आप लद्दाख लेह में पहुंच जाते हैं और लद्दाख लेह से कारगिल के नीचे हम आशिया की 11.6 किलोमीटर सबसे बड़ी जोजिला टनल बना रहे हैं और जोजिला टनल का 75% काम पूरा हुआ है। हमने उसमें 5,000 करोड़ आपके बचाए, 4 बार टेंडर निकला, 5,000 करोड़ से सस्ती वो टनल बनाई है और वहां से आने के बाद लद्दाख ले आते उसमें झेड़मोर टनल है वो पूरी हो गई है। जैसे चुनाव खत्म होगा प्रधानमंत्री जी आएंगे उसका उद्घाटन करेंगे। झेड़मोर के बाद श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से जम्मू तक 18 टनल बना रहे और कटरा के पास से आपके नजदीक से जाने वाला ये कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से आप डायरेक्ट 4 घंटे में अमृतसर से और 6 घंटे में कटरा से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर दिल्ली में स्टेट ऑफ आर्ट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तैयार हुआ है, वहां एयरपोर्ट के पास शिव मूर्ति के पास हमने जमीन के अंदर एक टनल बनाई है, डायरेक्ट T3 पर जाएगी और पानीपत के बाद UR2 बनाया 10,000 करोड़ का, अभी उसका उद्घाटन अक्टूबर में हो जाएगा। वहां से हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली मुंबई हाईवे आएंगे, वहां से सूरत आएंगे और सूरत से पलट जाकर मुंबई न जाते हुए हम सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलोर, हैदराबाद, कोची, त्रिवेंद्रम डायरेक्ट साउथ की तरफ जाएंगे। अब हमको मुंबई, पुणे और कोल्हापुर और सोलापुर जाने की आवश्यकता नहीं, तो दिल्ली और कन्याकुमारी का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा और ये पूरा एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी, ये हाईवे ये कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा पूरे देश के साथ। बहनों और भाइयों, ये सब काम किसके कारण हुआ है? ये काम मोदी जी के कारण और मेरे कारण नहीं हुआ है, ये काम इसलिए हुआ है कि लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार बनाई और इसलिए जो 1060 साल में नहीं हो सका वो 10 साल में काम करके हमने दिखाया। हम जम्मू कश्मीर के तस्वीर को बदलना चाहते हैं,
हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट पश्मीना सब में हम विकसित करके दुनिया को अपना माल बेचकर हमारे यहां के लोगों को हम समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसी विकास के कारण आपकी गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, और इसलिए कोई व्यक्ति जात पंथ धर्म और भाषा से श्रेष्ठ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत पर विश्वास रखती है कि कोई भी व्यक्ति जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हिंदू को जिस भाव में पेट्रोल मिलता है उस भाव में मुसलमान को मिलता है। पिछले 10 साल में हमने अनेक योजनाएं लाई, क्या कोई योजना में, आयुष योजना में, उज्ज्वला योजना में, हमारे किसी योजना में क्या हमने अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय किया? सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, इसी के आधार पर हमने काम करने की कोशिश की। बहनों और भाइयों, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, पर हम आतंकवाद के विरोध में है, हम पाकिस्तान के विरोध में, जो पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खस्ता हो रही है, पर हिंदुस्तान में आतंकवादियों को समर्थन देने का काम पाकिस्तान समाप्त करे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता में हिंदू और मुसलमानों सबका विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा, और सही अर्थ में जम्मू कश्मीर एक प्रगतिशील समृद्ध और संपन्न राज्य होगा। और यही करने के लिए हम जम्मू कश्मीर में रोड बना रहे, टनल बना रहे, ब्रिजेस बना रहे। परसों मैं 15-10 दिन पहले आया था, वैष्णो देवी के बाद में वो कौन सा बूढ़ा कॉस्ट्यूम का नाम है, शिवपुरी, वहां मैं गया था। 3 ब्रिज आइकॉनिक ब्रिज बन रहे। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है। कितनी टनल हम बना रहे, हाइड्रो पावर पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रिक पर स्कूटर ऑटो रिक्शा कार और ट्रक और बसें चलेगी, प्रदूषण नहीं होगा, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। जहां 120 रुपए का पेट्रोल लगता है, 110 रुपए का डीजल लगता है, वहां केवल 7 और 8 रुपए की बिजली लगेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये बदलती हुई तस्वीर, जम्मू कश्मीर की तस्वीर, ये हमारी सबकी आस्था है, हमारा सपना है, और ये सपना पूरा करने के लिए मैं आज आपके इस मतदान क्षेत्र से आया हूं कि विशेष रूप से हमारे मंत्री भी रह चुके आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, अच्छा काम कर चुके, विश्वसनीयता है, साख है, और आपके तस्वीर को बदलने की, यहां काम करने की उनकी ताकत। पहली बार मुझे मिले, मैंने सीआरएफ में उनके पहले बार काम मंजूर करके दिए, पूरे काम हो गए, उनके कारण 3 हाईवे का काम हुआ। और आप चिंता मत करिए, आप केवल एक ही काम करिए, 100 बीमारी का एक ही इलाज है, आप उनको चुन कर दीजिए और बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उनको चुनकर दिल्ली भेज दीजिए, हम आपके विधानसभा को, आपके जिले को ऐसा चमका देंगे कि आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। और इसीलिए मैं आपको यही आह्वान करने के लिए आया हूं, क्योंकि 6:15 हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा जम्मू में। तो मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं कि आज आप चंद्र प्रकाश जी के कमल के फूल की बटन दबाइए, उनको विजयी बनाइए, और आपके इस विजयपुर क्षेत्र का, केवल आपका नहीं, आपके जिले का और कश्मीर का विकास करने की गारंटी आपको दे रहा हूं। आप उनको जिताइए और सेवा करने का मौका दीजिए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।